हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो टुडे जो मैंने स्टॉक पिक किया है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए वो है बायोकॉन लिमिटेड। सो लेट्स गो टू द चार्ट एंड सी द लॉजिक बिहाइंड पिकिंग दिस स्टॉक। तो अभी यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखाया, फिर काफ़ी कोशिश की अपसाइड जाने की, बट वो सस्टेन नहीं हो पाया और उसने प्रीवियस स्विंग का लो ब्रेक करते हुए ये नीचे आता गया। अभी क्या हम देख रहे हैं कि जो लास्ट स्विंग था वो यहाँ पे बनाया था उसने 1 जुलाई को, और वहाँ से एक अच्छा मूव दिखाने के बाद फिर एक लेवल पे रेजिस्टेंस दिखा के वापस ये आया, और वहीं से उसने अगेन अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश कर रहा है, और प्रीवियस स्विंग को अभी उसने ब्रेक नहीं किया है। अभी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो 28 जुलाई की जो कैंडल है वो एक अच्छा रेजिस्टेंस के रूप में वो उसमें काम कर सकती है, और यहाँ से बिल्कुल वहीं से ही एक नेगेटिव कैंडल भी बनता हुआ दिख रहा है हमें। तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक दो कैंडल या दो तीन कैंडल के बाद ये एक अच्छा ब्रेकआउट दे के अपसाइड मूव दिखा सकता है, या फिर हो सकता है कि यहीं से ही ये नीचे अपना स्विंग लो को ब्रेक कर दे और फिर इस स्टॉक को तो फिर लेने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। और जो मेरा प्लान क्या है कि अगर ये सपोज कल या एक दो 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 तीन दिन में यहाँ से ब्रेकआउट देता है और 3 o'clock के अराउंड ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, बट अगर ये ब्रेकआउट देने के बाद 5 to 6% मूव कर जाता है सेम डे में ही तो लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर ये ब्रेकआउट करने से पहले ही अपना स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो इस स्टॉक को हम टोटली इग्नोर कर देंगे। इसलिए मैंने इसको ट्रैक में रखा हुआ है कि अगर ये यहाँ पे ब्रेक करता है और सस्टेन भी करता है तो यहाँ पे मैं पोजीशन बनाऊंगा। और फिर इसका फर्स्ट टारगेट जो मैंने डिसाइड किया है वो 339 का किया है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से ये रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट भी कर रहा है एटलीस्ट फ्रॉम मई से। और यहाँ पे अगर हम यहाँ कहीं पे हमारा 318-320 के आसपास कहीं अगर एंट्री होता है तो फर्स्ट टारगेट हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं 339 पे, और फिर यहाँ से अगर फिर ये ब्रेकआउट देता है एक दो दिन होल्ड करने के बाद, होवर करने के बाद ये फिर ब्रेकआउट देता है तो सीधा सीधा हमारा टारगेट 375 या 73-75 के अराउंड हो जाएगा। तो टोटल टारगेट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 16% का टारगेट दिखाई दे रहा है, और हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी स्मॉल है इस केस में, तो ये बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड हो सकता है, और हो सकता है इसको अचीव होने में थोड़ा टाइम लग जाए, बट अगर ये 4-5 months में भी या 6 months में भी टारगेट अचीव होता है तो 16% इज़ नॉट अ बैड टारगेट। और एक वन लास्ट पॉइंट कि यहाँ पर टारगेट हमारा 1 अचीव होने के बाद हम स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हैं एज पर स्विंग। तो यही था आज का मेरा स्टॉक पिक करने का जो लॉजिक है बायोकॉन का। तो अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो आप पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस कर लें, फिर उसी के बाद ही पोजीशन बनाएं। और एक चीज़ का मैं बार बार बोलता हूँ कि थंब रूल हमेशा याद रखें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मैच होना चाहिए एटलीस्ट 1:2, ताकि 50% भी हम रॉन्ग हैं तब भी एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अगर हमारा 50% टारगेट्स ही अचीव होते हैं, 50% स्टॉक्स पे नहीं होते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड संडे, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।